लक्ष्मी उठो, ये लो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, जल्दी से खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। अरे ये क्या बेटा, तुम पेट से हो, तुम भूखी नहीं रह सकती, कुछ खा लो, ये लो खीर खा लो। मेरी जिंदगी खराब चल रही थी, अब ऊपर से ये बच्चा भी, अब मैं क्या करूँ। देखो बेटा, जब श्रुति पैदा हुई थी तब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तो फिर उसमें शर्माने की क्या बात है। माँ तुम्हारा जमाना अलग था, श्रुति आपकी छठी बेटी है। लक्ष्मी इस बात से तुम क्यों परेशान हो रही हो, छोड़ो अब। जब तुम नाराज होकर इस घर से चली गई तब मुझे कितना बुरा लगा था, तुम्हें क्या बताऊं। और वैसे भी कीर्तना ने दामाद जी से माफी मांग ली ना। नहीं माँ, उस बात के लिए नहीं, उन्हें गुस्सा आता है तब वो कुछ भी करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम दामाद जी को लेकर यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे पापा को भी यहाँ पे बुलाकर लाती हूँ, वो घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। अगर दामाद जी मेरी बात नहीं समझे तो तुम उन्हें मना कर लेके आना। तुम अपने माँ बाप के घर में रह रही हो, ये बात तुम याद रखना। कीर्तना के बारे में तुम मत सोचो, अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी उनसे कि तुम अपने रहने का खर्चा दे रही हो, इससे सबका मुंह बंद हो जाएगा। फिर कीर्तना सवाल क्यों पूछेगी। वो नहीं पूछेगी, मगर गणेश तो पूछेगा ना। वो कुछ भी नहीं पूछेगा, वो अपनी बहनों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे। माँ मैं और मेरा परिवार आपके लिए भारी पड़ रहे हैं ना। क्या बात कर रही हो तुम, तुम हमारी बेटी हो, दुर्गा भी तो रहती है, उसने कुछ सोचा है क्या। और अभी संगीता भी आ गई है, सिर्फ गंगा अपने ससुराल में है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम बस किसी भी तरह से दामाद जी को यहाँ ले आओ, बस वो यहाँ आ जाए, उसके बाद जो होगा संभाल लेंगे। ठीक है माँ, अगर मैं यहाँ पर आ गई तो उस घर में कोई ना कोई किराएदार रहेगा, तो फिर मैं उस घर में वापस कैसे जाऊंगी। इसके बारे में भी मैंने सोचा है, संगीता को उस घर में मैं रहने भेज दूंगी, ये घर नहीं छोड़ूंगी। मगर विनय बहुत घमंडी है माँ। और कितने दिन रहेगा ऐसे, उसने शायद संगीता को कुछ बोला, संगीता ने पलटकर जवाब दे दिया, उस दिन से उसका चेहरा उतरा हुआ है। औरत जब जवाब देती है तब मर्द अपने आप चुप हो जाते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं रहता उनके पास। माँ धीरे बोलो तुम, अगर तुम्हारी बहू ने सुन लिया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। उसे छोड़ दो तुम ये खा लो, ठंडा हो जाएगा, जल्दी खाओ। मैंने सोचा सुबह होगी। अच्छा ये बताओ, सारा काम खत्म हो गया या बाकी है। मैंने सोचा था गुस्सा करूंगी, लेकिन छोड़ो हटो। हे क्या हुआ बोलो ना, शादी से पहले तो बहुत बोलती रहती थी, अब क्या बोलने की कीमत चाहिए। और नहीं तो क्या, इतनी सी हंसी के लिए इतना सब कुछ सुना। जीजा जी से माफी मांगी ना। मांग ली, सबसे घुल मिलकर रहना चाहती थी लेकिन और कोई नहीं चाहता। मेरे लिए इस घर में एक सीमा बनी हुई है जो मैं पार नहीं कर सकती। नाराज हो गया। मैं क्या नाराज होऊंगी, मैं तो अभी तक आपको समझ ही नहीं पाई। क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो। अच्छा जो बाइडेन ठीक तो है ना। ये क्या पूछ रही हो। अगर आपके घर वालों के बारे में पूछूंगी तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ जो बाइडेन के बारे में। अच्छा तो मुझे चिढ़ा रही हो क्या, क्यों क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला क्या। नहीं बोलो ना। दीदी और जीजा जी कब आ रहे हैं। पता नहीं, हाँ लेकिन एक बात तो है, जीजा जी अकड़ में जरूर आएंगे, और अगर आ गए तो उनके घर को मेरे एक दोस्त ने किराए पे रहने के लिए मांगा है। ये तो होने से रहा। क्यों। वो घर पहले से बुक्ड है। मुझे लगता है विनय कभी भी अलग रहने के लिए नहीं मानेगा, ये सही नहीं है। लक्ष्मी दीदी की बात अलग है और हम उनके साथ हैं। रुको रुको रुको, क्या हुआ। अरे ये सब बातें आप मुझसे मत कीजिए। क्या बोल रही हो। हाँ आप कुछ और बात कीजिए, आपके घर वालों के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो मेरे मुंह से भी कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, फिर आपको बुरा लगेगा ना। कीर्तना मेरी माँ और मेरी बहनें तो मेरी जिम्मेदारी है, पर तुम तो मेरी पत्नी हो ना, अब तुमसे भला क्या छुपाना मुझे। एक बात पूछूं, बताओगी मुझे। ए, तुमने मेरे बारे में क्या सोच रखा है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पापा ने मुझसे कहा था तुम दोनों इस घर से दूर कहीं अलग रहो,
मगर मैं नहीं माना। मेरी सोच और विनय की सोच एक है। नहीं गणेश, सिर्फ हमारे घर में नहीं, बहुत से घरों में दामाद को ऐसी इज्जत नहीं मिलती। मगर वो इज्जत ना सही, इंसानियत तो दिखा ही सकते हैं ना। मेरा तो बस इतना ही कहना है। ए, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, पीने के लिए पानी लाओ क्या? जब ये बात अखबार में छप जाए और उसे पढ़ लेना तब लेकर के आना। हा? ये कोई सवाल है क्या? पति बाहर से आया है तो उसके लिए खुद से पानी वगैरह लेकर के आना चाहिए ना। पूछ रही है, नाराज मत होइए। लक्ष्मी, ये घर हम खाली कर देंगे। क्या बात है, सही बोला आपने। तो मैं तुम्हारी माँ के घर पर छोड़ के मैं थोड़े दिन तंजावुर जाके आता हूँ। हाँ, ऐसे अचानक तंजावुर? वहाँ कौन है आपका? महाराज वहाँ पर घोड़ा लेकर के मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है क्या? सब मर गए हैं। वो सब ठीक है, आप वहाँ जाके क्या करोगे? मैं वहाँ जाकर पान की दुकान खोलूंगा और फिर पान लगा के खुद खाऊंगा। ठीक है ना ये? मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा? नहीं, तुमने गलत नहीं पूछा, मैं खुद ही गलत हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहते तो मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत बढ़ जाती है। वहाँ मेरी इज्जत ही कौन करता है, फिर उस घर में चमगादड़ भी तो रहता है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुनो, उस दिन कितना घर आई थी और वो मुझे देख करके हंस रही थी, और ऊपर से तुम्हारे मामा भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर मैं वहाँ क्यों जाऊँ? वो चमगादड़ मानेगा नहीं, फिर कुछ ना कुछ बवाल होगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रही हो ना? अम्बी मामा की बात आप छोड़ दो, वो भी तो घर जमाई जैसे है। फिर भी मेरी कोई इज्जत तो है ना। अरे लक्ष्मी, नरसिम्हा मेरे बारे में कुछ बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? नाम लिया और वो आ गया। इस फालतू को घर में कौन बुलाता है? मुझे दरवाजा बंद करना चाहिए था। ये जानवर कहीं भी रेंगते हुए पहुँच जाता है। अरे किसने बुलाया है? मुझे यहाँ कौन बुलाएगा? मैं यहाँ आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बेटी जैसी है। अगर ये आपके बेटी जैसी है तो जब ये बुलाएगी तभी आओगे ना, कि बिन बुलाए घर में आकर घुस जाओगे? जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो वो हमारे घर में आकर क्यों बैठ जाता है? अरे अब ये सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि यहाँ आए किस काम से हो? अरे बेटा लक्ष्मी, तुम अपने पति को लेकर घर कब आ रही हो, इसके बारे में सोचा क्या? नहीं मामा। अरे कब तक यहाँ रहोगी? इस शहर में सबको पता है कि तुम्हारा पति कोई काम धाम नहीं करता, फिर यहाँ क्यों रहती हो? ये कौवा किसी काम का नहीं। दामाद जब घर का जमाई बनकर रहता है तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं होती। वैसे ही कोई भाई अपनी बहन के घर जाकर रहता है तो उसे भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें आती है क्या? सुनो, ये नरसिम्हा बहुत इज्जत वाला है, वो तुम्हारी तरह बेशरम किसी के घर में खाना नहीं खाने वाला। हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, अब हम दोनों पार्टनर होंगे 50-50% के। चुप हो जाइए आप। आनंद भवन मेरे पापा की कमाई है और उस पर हम 6 बच्चों का बराबर का हक है, और उसमें भी सबसे पहला मेरा हक है। ओहो, तो तुम ऐसे बोल रही हो, तो इस बारे में तुम्हारी माँ से तुम्हारी बात हुई है क्या? जब बोलने का वक्त आएगा मैं जरूर बोलूंगी। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? लक्ष्मी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर मैं चलूं? मैं चलता हूँ नरसिम्हा। संभाल कर जाना, नगर पालिका वाले रस्सी लेकर के घूम रहे हैं। सुनिए जी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। पहली बार तुमने आज बिल्कुल सही बात की है। मैं तो वकील हूँ, लेकिन आज तुमने बिल्कुल लॉयर वाली बात की है, हैं? आज जो तुमने बोला है, अगर मैं सही कहूँ तो तुमने दिल की बात की है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं गांव नहीं जा रहा हूँ लक्ष्मी, इस घर को खाली करके हम अपने घर चलते हैं। अपना घर मतलब? अरे जब तुमने होटल में हिस्से की बात की है तो घर में नहीं होगा क्या? तो उस हिसाब से तो हमारा घर में हिस्सा हुआ ना, तो फिर क्या सोचना, चलो उस घर में चलते हैं।